तो कल के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर है, राइट? यस सर। ठीक है, अब कल सिंगल जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे हमने, उसको रिकॉग्नाइज किया था कि कब कहाँ कैसे वो पैटर्न आते हैं और उनको हम किस तरीके से रीड करते हैं। अब उनको ट्रेड करना वो हम सीखेंगे, ठीक है? ओके सर। बहुत सिंपल। हेलो यस हेलो सर, आपके कल, जी मैं भाई। दिवेश बोल रहा हूँ जी दिवेश, दिवेश बोलो। सर। कल आपके बताए हुए से लगाई थी ट्रेड, तो आप देख लेंगे एक बार? मैंने कल ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताया था। कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड किया आपने? हाय 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 लो। अच्छा ठीक है, वो मैं चेक कर लेता हूँ, करता हूँ चेक, ठीक है? वो हम यस चेक सर। कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करने के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे, वो किसको ट्रेड कैसे किया जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है थोड़ा सा। अब देखें, डाउन ट्रेंड के अंदर जब हम पैटर्न को ट्रेड करेंगे, मैं यहां पर तीन कैंडलस्टिक बनाऊंगा डाउन ट्रेंड के लिए और दो तरीके से बनाऊंगा, ठीक है? हमेशा ऐसा होता है कि डाउन ट्रेंड में जब कोई पैटर्न बनता है सिंगल कैंडलस्टिक का, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है, राइट? और कभी कभार क्या होता है कि वो ब्रेकआउट के ऊपर बन जाता है। मतलब रीजन क्या होते हैं रिवर्सल के, सिर्फ दो होते हैं, या तो कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो तो प्राइस रिवर्स कर सकती है, या फिर ब्रेकआउट हो जाए उसी लेवल का तो फिर रिवर्स हो सकती है। ये दो रीजन है, इसके अलावा कोई भी तीसरा रीजन नहीं है, ठीक है? अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गया पैटर्न, यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ एक लेवल का, मूवमेंट दोनों सेम है। जब सपोर्ट के ऊपर रेड कैंडल क्लोज होती है तो हमारे पास एक हैमर कैंडल बन जाती है, ठीक है? ये हैमर क्यों बनती है? जब सपोर्ट के ऊपर सेलर क्लोज होते हैं तो उसके बावजूद भी वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन सपोर्ट की वजह से उनकी कोशिश खत्म हो जाती है, बायर उनको कंट्रोल करके अपनी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की कैंडल बना लेते हैं, राइट? अब यहां पर हैमर बना, ये हैमर जब बना, अगर आपने ये कंफर्म कर लिया कि रेड कैंडल के नीचे सपोर्ट है और हैमर बना है, तो अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी। अगली कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन बनेगी, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपने अगर देखा कि ब्रेकआउट के बाद एक हैमर बनता है, अब हैमर की क्लोजिंग प्राइस कहां है? इस सपोर्ट, जो पहले सपोर्ट थी ब्रेक हो चुकी, अब वो रेजिस्टेंस बन गई। अब हैमर एक रेजिस्टेंस के नीचे बना हुआ है, जब रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल बनती है तो फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, राइट? आपकी ये कैंडलस्टिक यहां से नीचे की तरफ आएगी, यहां से अब ऊपर नहीं जाएगी। रीजन क्या है, वजह क्या है, ये सामने दो वजह मैंने जाहिर की है, तीसरी कोई वजह नहीं होगी, तीसरी कोई वजह नहीं होगी। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार, हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो कैंडलस्टिक है ये ब्रेकआउट भी करती है, ये ब्रेकआउट भी हो जाता है और सपोर्ट में भी क्लोज हो जाती है। इस सूरत हाल में अगर हैमर बनता है तो, और चाहे इस रेजिस्टेंस के नीचे भी क्लोज क्यों ना हो जाए, ज्यादा चांस होते हैं कि प्राइस पहले नीचे आती है, इस सपोर्ट से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाती है। आपने जब भी हैमर देखा होगा ना, तो प्राइस पहले नीचे आती है, इस ओपन प्राइस को टच करके उसके बाद से ऊपर जाती है अक्सर,
जब भी हैमर कैंडल देखेंगे तो ओपन तक प्राइस आती है, फिर यहां से रिवर्स होती है, ये भी प्राइस ओपन तक आएगी फिर रिवर्स होती है। अब ये सूरत हाल क्या है कि यहां पर दो लेवल से, ये कभी कभार होता है, लेकिन अक्सर जब एक ही लेवल ब्रेक होगी हैमर आएगा तो फिर अगली प्राइस नीचे आएगी। क्या ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर इसमें क्वेश्चन है कि सर हैमर मतलब रेड कलर होगा ग्रीन कलर हो उसमें कोई सर ऐसा कुछ? जो मैंने बनाया हैमर वही वाला होगा, जब रेड कलर का हैमर होगा तो मैं रेड कलर का हैमर बनाऊंगा, ठीक है? ओके सर। जिसमें जो कैंडल में बनाऊंगा ये उसी कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो हैमर अगर आ जाए तो फिर आप लोग परेशान नहीं होना, इस तरीके से इसको ट्रेड करना है, ये इसका तरीकेकार होगा। अब ये पिक्चर मैंने सेव कर ली, अब मैं क्या करता हूं कि इस हैमर की जगह पे मैं क्या बनाऊंगा, इन्वर्टेड हैमर बनाऊंगा, उसका भी सेम तरीका, कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, इसका भी सेम तरीका, सिर्फ हैमर की जगह पे क्या बन गया, इन्वर्टेड हैमर। इसको भी ऐसे ही ट्रेड करेंगे जैसे हैमर को ट्रेड करेंगे। ये पिक्चर सेव कर ली मैंने, ठीक है? उसके बाद अब मैं इसको स्प्रिंग टॉप बना रहा हूं या स्प्रिंग बॉटम, इसका भी वही तरीका होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि तरीका एक ही है, कैंडलस्टिक पैटर्न चेंज हो सकता है, कौन से बुलिश पैटर्न चेंज हो सकते हैं, कौन से बुलिश पैटर्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन ट्रेड करने का तरीकेकार वही होगा। इसको आप इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। अब यहां पर आगे चलते हैं, एक दोस्त ने सवाल पूछा अगर रेड हैमर आ जाए तो फिर क्या करेंगे, राइट? यस सर। अब हम ये तीनों पिक्चर जो हमने पढ़ी वो हमने सेव कर लिए, अब हम यहां पर एक और सेटअप बना रहे हैं। अब हमारा क्या आ रहा है, रेड हैमर आ रहा है, राइट? ये हमारा रेड हैमर आ गया, सही है? Yes. अगर ये रेड हैमर की क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है तो बाय आएगी, अगर ये रेड हैमर की कैंडल ब्रेकआउट करती है तो बाय आएगा और सेल आएगा, अगर ये ब्रेकआउट भी करती है और सपोर्ट में भी क्लोज होती है तो फिर क्या होगा, इस सूरत में चांसेस 50-50 है, लेकिन कोशिश करें होगी कि बायर ट्राई करेंगे, यहां पर बाय बनेगा लेकिन यहां पर सेल के चांस बहुत है, ऊपर जाएगा ओपन प्राइस तक, उसके बाद नीचे गिरेगा। ये तरीकेकार होगा अगर बेयरिश हैमर होगा। इस पिक्चर को सेव करने के बाद हम बेयरिश हैमर को हाँ पूछे सर, जैसे आपने बोला ये थर्ड में ब्रेकआउट, सर ये मतलब सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगी? जी ओके सर, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही होगी तो सपोर्ट सी होंगी, सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाएगी तो वही सपोर्ट फिर क्या बन जाएगी, ओके ओके ओके, फिर ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाएगी, राइट? जी सर। अब इसी जगह के ऊपर अगर आपकी स्पिनिंग बॉटम कैंडल आ जाए तो क्या करेंगे, सेम तरीका, क्या करेंगे, सेम, कोई फर्क नहीं होगा। अगर इसी जगह पे आपकी इन्वर्टेड हैमर आ गया तो सेम तरीका, कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा इसमें से कि अगर पैटर्न या पैटर्न से पहले वाली कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो जाती है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो फिर वो ऊपर जाएगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यू करेगा, और अगर बेयरिश पैटर्न सपोर्ट पे क्लोज होगा तो फिर ग्रीन कैंडल आएगी, और बेयरिश पैटर्न अगर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगी,
सिंपल सा है, ठीक है, इसमें कोई भी जो है ना मुश्किल नहीं है। अब एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, जब कंटिन्यूशन पैटर्न आएगा तो फिर क्या करेंगे, राइट? ये सेम जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को सिखाया ये यहां पर भी है, ये सेम स्ट्रक्चर है, देखें ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ, तो ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, ग्रीन बनी, ये ब्रेकआउट पे हुआ तो रेड बनी, ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ तो ग्रीन बनी, ये ब्रेकआउट किया तो रेड बनी, राइट? यही सपोर्ट पे क्लोज हुआ तो बाय बनेगा, ब्रेकआउट करेगा तो सेल बनेगा, ब्रेकआउट करेगा तो सेल बनेगा और सपोर्ट पे क्लोज होगा तो बाय बनेगा, ठीक है? ये तो पैटर्न डाउन ट्रेंड में बने, अब जितने भी हमने पढ़े वो डाउन ट्रेंड में पैटर्न बनेंगे। अब अगर ये अप ट्रेंड में बनेंगे तो फिर क्या होगा, यही सेम तरीका होगा, कैसे? अप ट्रेंड में ये कौन सी साइन बनेगी, ये कंटिन्यूशन बनेगी, राइट जी? आ रहा है समझ में? नहीं, हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे लगता है, मेरी आप लोगों को यार मुझसे बात करो ना, मैं आप लोगों से तो बात कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं करो, ठीक है? ओके सर, जितना आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे। ये देखिए, ये एक कंटिन्यूशन साइन है। अच्छा, इन कैंडल के अंदर ना विक हो सकता है, ये मैंने अब ऐसे एडिट किया है तो फिर जरूरी नहीं है कि मैं विक डालूं, लेकिन आप समझो कि ये ऐसे नॉर्मल कैंडल जैसे बनती है, इसमें विक होंगे, ठीक है? ये ब्रेकआउट हुआ तो कंटिन्यू करेगा, अगर ये किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होता है या इस कैंडल के विक के नीचे क्लोज होता है तो फिर मार्केट रिवर्स होगी, क्योंकि कैंडल का जो विक होता है वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना? अक्सर आप लोग देखें, मेरी एक ट्रिक है और ये टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसकी जो अगर ये विक हैमर क्रॉस नहीं करता तो अगली कैंडल रेड बनेगी, ठीक है? अगर ये वाली विक क्रॉस नहीं करता तो रेड बनेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गया। अगर इसी जगह पे इन्वर्टेड हैमर बनता है और वो भी क्रॉस नहीं करता तो अगली कैंडल रेड बनने के बहुत चांसेस हैं। अगर स्पिनिंग कैंडल बनती है और वो भी अगर इसको क्रॉस नहीं करती तो अगली कैंडल रेड बनने के चांसेस ज्यादा हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है? और अगर एक रेड कैंडल बनती है उसकी इतनी सारी विक है कि ये हैमर उसके विक के अंदर आ गया, मतलब है अब हैमर सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, आप सपोर्ट पीछे इतना ज्यादा दूर से देखने की जरूरत नहीं है, आपको कैंडल टू कैंडल भी मिल सकती है सपोर्ट। अब ये सपोर्ट कहां से आ सकती है, हो सकता है कि ये सपोर्ट किसकी हो, इस कैंडल की विक की हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये क्रॉस नहीं होगा तो मार्केट ग्रीन कैंडल अगर ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हुआ, अब इतनी छोटी सी विक थी कि ये ब्रेकआउट हो गया तो कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है? यहां पर इसने ब्रेक कर दिया तो कंटिन्यू, अगर हो सकता है कि इसकी विक इतनी हो कि ये यहां पर क्लोज हो जाए तो सपोर्ट पे क्लोज हो गया, लेकिन ये नहीं कि यार मैं पीछे देखूं 5-10 कैंडल के वहां पर अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो उसको काउंट करूं, अगर वो नहीं है तो इसको काउंट कर सकते हैं, अगर वो है और साथ में ये है तो दोनों को काउंट कर सकते हो, राइट? यस सर। यहां पर अभी कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है इस जगह पे, उस रेजिस्टेंस की वजह से इस कैंडल में रिजेक्शन आई और फिर ये हैंगिंग मैन बना। अब हैंगिंग मैन जब नीचे आया तो यहां पर एक और सपोर्ट थी उसके ऊपर क्लोज हो गया तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी,
अगर हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस के नीचे बनता है और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। अब सपोर्ट जाहिर नहीं होगी, ये वाली याद रखिएगा, ये जो सपोर्ट है ना जाहिर नहीं होगी। वो कैसे आपको पता करना है, ये जो कैंडल है ना ग्रीन वाली, इसका 50% आपकी सपोर्ट है, इसका 50% सपोर्ट होगी आपकी, अक्सर ऐसे मैंने देखा है। और यहां पर 50% कहां है, ये बड़ा गैप है, ये कंटिन्यू करेगा। अगर ये यहां पर आते हैं, ये वाला पैटर्न रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गया तो सेल, सेल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ सेल हुआ, अगेन ये कैंडल के 50% पे क्लोज हुआ तो बाय हो जाएगा, या फिर कोई और सपोर्ट हो या फिर राउंड नंबर हो, अक्सर राउंड नंबर भी आ जाता है। यहां पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो बाकी कंटिन्यू करेगी। अब हमने क्या सीखा कि पैटर्न किसके हेल्प से ट्रेड होगा, पैटर्न अच्छे सपोर्ट से, हाँ पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गए, पैटर्न को पहचानना भी आ गया, कंटिन्यूशन साइन भी पहचाने आ गई, रिवर्सल साइन भी पहचाने आ गई। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कच्चे हो तो पैटर्न ट्रेड करना नहीं आएगा। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको जैसे पैटर्न में मास्टर होने होना पड़ेगा, इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टर होना पड़ेगा। क्योंकि हमने सीखा कि मार्केट के अंदर जो रिवर्सल होता है उसके रीजन दो, या तो कैंडल सपोर्ट पे क्लोज होगी तो रिवर्स होगा, या तो कैंडल सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगी तो रिवर्स होगा। अब यहां पर एक बात मैं कर रहा हूं कि जरूरी भी ये नहीं है कि हमेशा सपोर्ट पे क्लोज हो कैंडल तो वो रिवर्स हो। जैसे कि हमने शुरू शुरू में रीजन पढ़े, कोई वीक सपोर्ट भी होती है, कोई स्ट्रांग सपोर्ट भी होती है, स्ट्रांग सपोर्ट तकरीबन रिवर्स करवा देती है, वीक सपोर्ट रिवर्स नहीं करवा देती। इन सब को समझने के बाद एक और रूल भी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज भी हो जाए उसके बावजूद भी अगर रिवर्सल ना हो तो रीजन क्या होगा, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, ठीक है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ जाओगे बात को आसानी से। ये किसी किताब में कहीं पर नहीं लिखा होगा, कोई भी नहीं आपको बताएगा, आप अपने दिमाग से इसको लॉजिकल समझें, और मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं बात। कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई, स्ट्रांग है वीक है कुछ भी है, लेकिन कैंडल कहां पर क्लोज हुई, रेजिस्टेंस के नीचे। अब सेलर अगर एंटर हो तो इनके पास कितनी पॉसिबिलिटी है एंटर होने के लिए, इनकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? हाँ जी, दो हो सकती है, दो हो सकती है, दो हो सकती है, लेकिन आपको दोनों का पता भी है या बस ऐसे ही आइडिया है? सेलर एंटर होगा उसको एक की पॉसिबिलिटी है, कितनी? एक। और बायर अगर कंटिन्यू करना चाहे इसको कितनी पॉसिबिलिटीज है? ब्रेकआउट एक ही है सर, एक ही होगी। यस सर, दो पॉसिबिलिटी फॉर बायर, कितनी है? दो। अब सोचो कि एक कैंडल तो रेजिस्टेंस के नीचे भी क्लोज हुई लेकिन उसके बावजूद भी सेलर को एक पॉसिबिलिटी मिलती है कि हम आ सकते हैं, और कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है उसके बावजूद बायर को दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम अगर चाहें तो ऊपर जा सकते हैं, अगर बायर चाहे तो ऊपर जा सकता है। कैसे? अगली कैंडल की ओपनिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। अब जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो हम तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, या तो जब अगली कैंडल क्लोज हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि ये रेड होगी राइट या ग्रीन होगी। जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी, गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ओपनिंग होने से हमें पता चल जाएगा कि ये कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। कैसे?
अगर अगर जहां पर ये क्लोज हुई है कैंडल उसी जगह से ओपन हुई तो रेड बनेगी। क्या पॉसिबिलिटी है सेलर के लिए? जहां पर पिछली कैंडल की क्लोजिंग है उसी जगह पे ही अगर अगली कैंडल स्टार्ट हुई तो रेड बनेगी। अगर ग्रीन कैंडल यहां पर क्लोज हुई, अगली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए एक जंप लगा लिया, क्या लगा लिया? गैप अप कर दिया तो ये ऊपर चली जाएगी। एक पॉसिबिलिटी गैप अप करके बायर ऊपर जा सकते हैं, राइट? यस। और दूसरी पॉसिबिलिटी गैप डाउन करके। अगर गैप अप और गैप डाउन हुआ और आपने ट्रेड सेल कर दिया तो आप लॉस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? लॉस। अगर कैंडल उसी जगह से क्लोज होती है, क्लोज हुई जहां से अभी नई कैंडल ओपन हो रही है, तो फिर चांस है सेल के, चाहे अभी ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो, चाहे ये स्ट्रांग वीक रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, चाहे कोई बंदा आपको कोई भी कहे, कोई कानून कहे कि ये 100% रेड कैंडल बननी चाहिए, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करती है? अगली कैंडल की ओपन प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है सारा। अभी आप लोग के जहन में बात आ रही होगी कि अक्सर हम जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। सपोर्ट भी सही लगाते हैं, रेजिस्टेंस भी सही लगाते हैं, सब कुछ सही एनालिसिस करते हैं, उसके बावजूद अगर हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है तो उसमें गैप अप या गैप डाउन होगा, उसमें गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। अब गैप अप क्यों हुआ, गैप डाउन क्यों हुआ? अपने आप से सवाल पूछो, क्यों हुआ? यह तो जवाब देना चाहिए, इतना तो होना चाहिए भाई। बायस प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे भाई, प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे। वो थोड़ा मतलब मिसलीड करने के लिए सर। नहीं, मिसलीड भी नहीं है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए गैप अप या गैप डाउन लगाया गया, राइट? यस सर। तो गैप अप और गैप डाउन जब भी लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। क्या होगा? ब्रेकआउट। तो जब भी आपको दो कैंडल मिल जाएं, एक ग्रीन मिली, दूसरी ग्रीन गैप अप के साथ मिली, तो इसके बीच में क्या होगा? SNR होगी। आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा मुझे। या तो चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही आप लोगों को, या तो आप लोग पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। अभी आप लोग को मैं इनवाइट करता हूं, मेरा दूसरा अभी जो क्लास आएगा आप लोगों के बाद, वो ज्वाइन करके देखें और उन लोगों की पार्टिसिपेशन देखें, मुझे लगता है कि वो मुझे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो पार्टिसिपेट करो ब्रदर्स, ये आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी एजुकेशन है, ये एक दूसरे से बात करने के बाद ही समझ में आती है। जब भी दो कैंडल के बीच में गैप होगा तो समझ जाना कि इसके बीच में रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। जब भी दो कैंडल के बीच में ओवरलैप होगा, ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने छोटा सा ओवरलैप कर दिया, इसको कंट्रोल, इसको ज्वाइन कर लिया, गैप डाउन कर लिया, तो यहां पर भी SNR है, यहां पर भी SNR है, राइट? क्योंकि गैप अप और गैप डाउन इसीलिए होता है कि कोई भी लेवल जब बायर ब्रेक करना चाहता है तो इसके पास इख्तियार है कि वो जंप लगाए ऊपर की तरफ से या फिर जंप लगाए नीचे की तरफ से। अब नीचे की तरफ से जंप लगाने का क्या सीन बनता है, आप लोग अपना अगर लाइफ एग्जांपल लेना चाहो तो जब फर्स्ट बॉलर बॉलिंग कराता है तो बॉलिंग कराने से पहले स्टार्टर लेता है, राइट? राइट सर। स्टार्टर क्यों लेता है?
इसलिए लेता है कि बाल तेज से फेंक तेजी से फेंक सकूं। तो ये इसने स्टार्टर क्यों लिया, किसी सपोर्ट का सहारा लिया कि तेजी से इसको ब्रेक कर सकूं। और ये इसलिए इसने किया कि ऑलरेडी मुझे ताकत है, मुझे स्टार्टर लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से भी जंप लगा सकता हूं। ठीक है, और इन जंप का नाम क्या होगा, इन जंप का नाम क्या होगा, कॉमन जंप और कॉमन गैप। ठीक है, ये एक आम सा गैप होता है, तीन चार किस्म के गैप होते हैं। एक गैप होता है जब सुबह सुबह मार्केट ओपन होती है ना, कल रात यहां पर क्लोज हो गई, कल रात यहां पर क्लोज हुई, आज ओपन हुई तो यहां से हुई, अब ये ओपन का ये गैप है, राइट? यस सर। इसको कहते हैं रन अवे गैप। क्या कहते हैं? रन अवे गैप। रन अवे मतलब कि नया दिन शुरू हुआ तो उसका गैप बना, इसको रन अवे गैप कहते हैं, इसको कॉमन गैप कहते हैं। एक और गैप होता है, वो ये गैप होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ आसानी से जा रही होती है, जा रही होती है, जा रही होती है, एकदम से गैप आके बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। ऐसा भी कभी कभार मिलेगा आपको। इस गैप को एग्जॉशन गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जॉशन गैप कहते हैं, क्योंकि यहां से प्राइस को रिवर्स करना होता है, फिर प्राइस रिवर्स हो जाती है यहां से। लेकिन हमारा इन गैप से इतना ज्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा, रनअवे से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एग्जॉशन कभी कभार हमारी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन ये तो हर 10 मिनट के बाद आएगा। अब इसी को ये कॉमन है, ये हर 10 मिनट के बाद आएगा, क्योंकि बार बार ये कंफ्लिक्ट होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। अब मैं आप लोगों को क्लियर दिखा रहा हूं एग्जांपल, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बात। ठीक है, ताकि आगे वाले जो पैटर्न बढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखें, ये कैंडल कहां पर क्लोज हुई है? रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई, तो जब रेजिस्टेंस पे कैंडल क्लोज होती है तो क्या होना चाहिए, अगली कैंडल रेड बननी चाहिए। हाँ सर। अब यहां पर देखिए, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, अगली कैंडल कहां से स्टार्ट हुई है? डाउन। तो ग्रीन बन गई। यस सर। ये कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है। अब जो अब रेजिस्टेंस बन गई, अब रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई, तो सेल होनी चाहिए थी ना? यस सर। क्यों सेल नहीं हुई? गैप अप हो गया। इस क्लोजिंग प्राइस, इस क्लोजिंग प्राइस में फर्क नजर आएगा आपको। ठीक है, ये इतने सारे फर्क नजर आएंगे, हर जगह पे आपको ये फर्क मिलेंगे। अच्छा, कुछ कुछ ब्रोकर ये गैप छुपा देते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है ना, कुछ कुछ ब्रोकर ये वाले गैप नहीं दिखाते, और नहीं दिखाएंगे तो मतलब समझो कि फिर आपके कैंडल्स में मैनिपुलेशन होगी, याद रखिएगा। और बाइनोमो बिल्कुल भी गैप नहीं दिखाएगा आपको। क्यूटेक्स मैंने यूज नहीं किया, और उसका भी प्लेटफॉर्म गैप नहीं दिखा था, लेकिन मैं हम चेक करेंगे। ठीक है, हम उसको मजीद चेक करेंगे। ये आपको अक्सर गैप मिलते रहेंगे, और गैप जो होगा, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, एक रेड कैंडल है, अगर गैप हुआ मतलब अगली कैंडल यहां से ओपन हुई, राइट, थोड़ा सा ये गैप अप है, तो 90% ये रेड कैंडल को फॉलो करेगा, इस रेड कैंडल को। 10% फेल हो सकता है, लेकिन 90% इसको फॉलो करेगा। अगर रेड कैंडल बनती है, गैप डाउन हुआ, तो 90% ये रेड ही बनेगी। अगर ग्रीन बनती है, अगर गैप अप हुआ, तो 90% ये ग्रीन बनेगी।
अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो तब भी 90% ये ग्रीन बनेगी, 10% फेल हो सकते हो। तो मैं अगर 10% की वजह से आप इस स्ट्रेटजी को छोड़ दो तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि 10% का रिस्क लेके 90% का प्रॉफिट हासिल कर सकते हो, राइट? तो सर आपके नीचे ही है सर बना है, यहाँ पर भी बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, ये देखो ये बना है, ये वाला बना है, आप ये देखो ये वाला बना है, हाँ ये देखो ये वाला बना है, ये देखो ये वाला बना है, इतने सारे हैं, क्योंकि मैं इसलिए तो ये इतना अहम है तभी तो बता रहा हूं। यस सर, ये बड़ा अहम है, ठीक है ना? हर कैंडल में जब गैप होगा तो समझो कि अगली कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप लोग सेल करना यहां पर, फॉर एग्जांपल यहां पर सेल करना चाह रहे हो, आपने अक्सर ना अक्सर ट्रेडर क्या करते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी में होते हैं, पता नहीं कि उनकी ट्रेन निकल जाती है, बस साथ होता है सर, बस सोचते हैं कि अब ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है तो अब सेल करो। अरे भाई सबर तो करो, अगली कैंडल ओपन तो होने दो, अगली कैंडल अगर गैप के साथ ओपन होती है तो फिर बाय के साथ जाओ, अगर जहां क्लोजिंग हुई है वहां पर ओपन होती है तो फिर वहां से जाओ। अब देखो ये एक गेम है, ये क्या है, एक गेम है, यहां पर ये प्लेयर खड़े हुए हैं, यहां से एक बंदा बॉल को फेंक रहा है, ठीक है, ओके सर, बॉल को इसने फेंका, अब कोई भी इस बॉल को कैच करके गोल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि यह भाई यही बंदा इसको कैच करेगा, इनमें से कोई भी आ सकता है, अगर इसको लेना है तो क्या करेगा ये आगे आके इसको पकड़ लेगा, हाँ तो यूं समझो कि ये एक गेम है, अगर गैप होता है ना तो ये कंटिन्यूएशन का गैप है, मतलब जिसने जंप लगाया वो ही आगे जाएगा, तो यूं ऐसे बस समझ लो इसको, ज्यादा इसके डीप में नहीं जानेंगे आप, ये आईक्यू ऑप्शन के ऊपर आप ये चेक करिएगा गैप का और आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये तकरीबन सेम होता है यहां पर, ये सही में लेकिन ये गैप है, राइट? Yes, गैप है तो कंटिन्यू कर लिया, ये गैप नहीं है, ये गैप है छोटा सा, कंटिन्यू कर लिया, ये सपोर्ट पे क्लोज हुई मार्केट, कहां पर क्लोज हुई, सपोर्ट पे, लेकिन ये गैप के साथ ओपन होती है, थोड़ा सा गैप है मामूली, ये गैप है अगेन, क्योंकि ये भी सपोर्ट पे क्लोज होती है, राइट? ये देखो ये सपोर्ट पे क्लोज हुई लेकिन इसने गैप करके नीचे गिरा दिया मार्केट, ये ऐसे आपको बहुत सारे गैप मिलेंगे, ये वाला भी गैप है, ठीक है? यस सर। तो गैप के ऊपर तवज्जो रखो, क्योंकि आपकी सारी स्ट्रेटजी सही, सब कुछ सही, आपकी स्ट्रेटजी कहती है कि सेल करो और वहां पर लग जाए गैप, हो जाएगा बाय, तो क्या स्ट्रेटजी फेल हुई? नहीं, कानून चेंज हो गया। हमने आज क्या पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रिवर्स होगी, तो मार्केट क्या होगी, रिवर्स होगी, अगर कैंडल स्टार्ट यहां से होती है तो फिर ऊपर जाएगी ना, यस सर, तो फिर क्या हमारी स्ट्रेटजी फेल हुई? नहीं, कानून चेंज हुआ तो जवाब चेंज हो गया, तो कानून चेंज हो सकता है, अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस है, एक यहां पर रेजिस्टेंस लाइन है, राइट? यस सर। ये ब्रेकआउट हो गया, इसको भी कैंडल ने टच भी नहीं किया, अब यहां पर सेल आएंगी, अगर सेल बायर ने ऐसा जंप मारा कि यहां से स्टार्ट कर लिया तो बाय हो जाएगी ना फिर, ओके बाय जाएगा, तब आपका सेल नहीं बनेगा, चाहे आपका ब्रेकआउट कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर होते हैं, और कोशिश करता हूं कि मैं एग्जॉशन गैप भी आपको दिखा दूं, कभी कभार गैप बहुत ज्यादा भी बढ़ जाते हैं, जब बहुत ज्यादा हर एक कैंडल में गैप मिले तो फिर समझो कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, करंट मार्केट की पोजीशन देखते हैं,
यहां पर ये देखो, अब जब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई कैंडल तो बायर को क्या चाहिए था कि एसी के ऊपर अगर ओपन होते तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती, राइट? यस सर। अगर ये नीचे आए तो ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के नीचे से अगर सेलर ने जंप लगाया तो हो सकता है सेलर भी लगा सकते हैं जंप। अब किसने जंप लगाया? बायर को कंटिन्यू करने से पहले सेलर ने जंप लगा दिया कि भाई हम जा रहे हैं, तो सेलर नीचे की तरफ लेके आए। तो जब कैंडल ओपन होगी ना तो 5 सेकंड के लिए इंतजार करो, 5 सेकंड के बाद एंट्री किया करो। कैंडल ओपन होने दो, 5 सेकंड के बाद एंट्री किया करो, आपको गैप का पता चल जाएगा। ठीक है, मजीद में इसके एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा जो क्लियर कट और एक्सप्लेनेशन के साथ जाहिर होंगे, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक अच्छा सा एग्जांपल है। यहां पर देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का या ब्रेकआउट होता है और साथ में कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, राइट? अब सेल आनी चाहिए थी, एनी आउ हैवी डाउन ट्रेंड, लेकिन बायर को कंटिन्यू करना था, क्या किया इन्होंने, इस राउंड नंबर से दोबारा स्टार्ट कर लिया स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यू कर लिया ऊपर। देखो कैसा डिसीजन था, कैसे डिसीजन बायर ने चेंज कर दिया। क्या अभी ये मैनिपुलेशन हो गई? नहीं, कानून चेंज हुआ। ठीक है, क्योंकि कानून तो मौजूद है ना, ये बात याद रखना है। तो आप आज की जो पहली असाइनमेंट आप लोगों के लिए होगी वो सिंगल पैटर्न को ट्रेड करने की होगी। ठीक है, ओके सर। और दूसरी गैप अप और गैप डाउन की रिसर्च होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। अब दूसरे आप पेयर्स में देखोगे, दूसरे ब्रोकर के साथ अगर आईक्यू के अलावा दूसरे ब्रोकर भी गैप अप गैप डाउन दिखाते हैं तो यूज कर सकते हो, अगर नहीं दिखाते तो फिर मजबूरी है। ठीक है, ये रियल मार्केट में फिर ओटीसी भी रहता है सर। ओटीसी में भी गैप अप गैप डाउन होते हैं तो उसमें देख सकते, बिल्कुल हाँ, उसमें भी यही कानून चलेगा। ओके, लेकिन ओटीसी मार्केट जो आईक्यू दिखाएगा वो अलग होगी, जो वॉल्यूम ट्रेड दिखाएगा वो अलग होगी, जो कॉर्टेक्स दिखाएगा वो अलग होगी, बायनोमो दिखाएगा वो अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि हर एक का सप्लायर डिफरेंट है, कोट सप्लायर इसको कहते हैं, ये जो डेटा है ना इसको कहते हैं कोट सप्लायर, हर एक ब्रोकर का कोट सप्लायर डिफरेंट है और इसी वजह से डेटा में डिफरेंस भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यानी 5 सेकंड हमें वेट करने का सर। हाँ, कैसे के फॉर एग्जांपल जैसे ये कैंडल क्लोज होने वाली है ना, ये लाइन ना उठा के इसकी क्लोजिंग प्राइस पर रख दो, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, हो गई क्लोज, ठीक है, गैप अप हो गया। यस सर। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कैंडल में गैप हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखो अगर एक एंट्री आपको प्रॉफिट देने वाली होगी ना तो आपको एंट्री पॉइंट अच्छा सा दे देगी, जरूरी नहीं है कि अभी जो पहली की मूवमेंट हुई कितनी स्ट्रांग मूवमेंट हुई कि मार्केट जो है ना, अगर आप ट्रेड लगाते भी ना तो यहां पर नहीं लगता, यहां पर ही ट्रेड लगता। यस। तो इस तरीके से जो पिछली कैंडल क्लोज होगी ना उसकी क्लोजिंग पॉइंट पे लाइन रखोगे तो गैप का पता चल जाएगा कि कहां ऊपर गैप है या नीचे गैप है। ठीक है, ये एक इसका तरीकेकार है। अब यहां पर चलते हैं, डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न को रिव्यू करते हैं, इसके बारे में ट्रेडिंग के बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सिर्फ रिव्यू करते हैं। बुलिश पैटर्न, यस सर, ये हमारा एक पैटर्न है जिसको हम एंगलफिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बुलिश एंगलफिंग बन गया। इसका कानून क्या है? ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना बुलिश एंगलफिंग की, इस ग्रीन कैंडल का 50% क्या, इस ग्रीन कैंडल का 50%, ये 50%, इससे अगर रेड कैंडल बड़ी होगी तब बुलिश एंगलफिंग है।
मतलब ग्रीन कैंडल से के 50% से रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए तब बुलिश सिंगल फिंगे, अगर नहीं तो आउटसाइड बारे, नहीं तो आउटसाइड बार, आउटसाइड बार। अब लोग क्या करते हैं, आउटसाइड बार को भी एंगलफिंग समझते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं एंगलफिंग काम नहीं करती। पैटर्न को आप आइडेंटिफाई सही तरीके से करेंगे तो फिर उसका काम भी समझ में आएगा। तो क्या फर्क आया बुलिश एंगलफिंग में और आउटसाइड बार में? हालांकि तो आउटसाइड बार भी तो एंगल्फ कर रही है ना रेड को कंप्लीटली, लेकिन कानून क्या है कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% से बड़ी होगी तो बुलिश एंगलफिंग, छोटी होगी तो आउटसाइड बार। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आगे भी एक दो पैटर्न होंगे वो भी इसी कंडीशन के ऊपर। अब यहां पर ग्रीन कैंडल को हम काउंट कर रहे थे, अब यहां पर हम रेड कैंडल के 50% को काउंट करेंगे। अगर रेड कैंडल से के 50% से ये ग्रीन कैंडल बड़ी होगी तो पियर्सिंग लाइन है, और उससे छोटी होगी तो इनसाइड बार है। कितना आसान है, हाँ यस सर। नहीं तो आप लोग समझते होंगे पहले कि हर पैटर्न अलग अलग तरीके का होता है। नहीं नहीं नहीं, एक छोटी छोटी पॉइंट इस पे डिफरेंस होती है, बस वो डिफरेंस समझ लो। यस सर। उसके बाद अब ये इनसाइड बार से बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी जो ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है, वो रेड कैंडल के बीच में आ जाती है। मतलब कि रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है? तो इसलिए इसको हम बुलिश हरामी बोलेंगे। अब नंबर वाइज सारे पैटर्न कैसे कैसे स्ट्रांग है, ये नंबर वन पे स्ट्रांग है, ये नंबर वन वन, ये नंबर टू पे स्ट्रांग है, ये नंबर थ्री पे स्ट्रांग है, ये नंबर फोर पे स्ट्रांग है, ये नंबर फाइव पे स्ट्रांग है। ये असल में ये पैटर्न्स जो है ना पावर के हिसाब से, क्यों देखो स्ट्रांग सेलर को स्ट्रांग बायर ने कंट्रोल किया, राइट हो गया? यस सर। वीक सेलर को स्ट्रांग बायर ने कंट्रोल किया। स्ट्रांग सेलर के 75% को बायर ने कंट्रोल किया। यस सर। स्ट्रांग सेलर के 50% या 45% ने बायर ने कंट्रोल किया। बायर ने 75% ही कंट्रोल किया। बात समझ में आई? ओके सर। ये हम देखेंगे कि बुलिश पैटर्न का मतलब क्या है, के सेलर को बायर कितना परसेंट कंट्रोल करता है, ये पैटर्न है और कुछ भी नहीं है। मतलब के सेलर को सेलर कितना परसेंट कंट्रोल हो जाते हैं। अब यही सेम बेरिश पैटर्न पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। वही कानून 50% वाला, बड़ी कैंडल कौन सी है? रेड है, तो रेड जो बड़ी होगी उसका 50% लेंगे, ठीक है? यस सर। बड़ी का 50% लिया, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। अब ये पियर्सिंग लाइन का अपोजिट पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। वो जैसे बुलिश एंगलफिंग बेरिश एंगलफिंग है ना, तो पियर्सिंग लाइन और बेरिश पियर्सिंग लाइन नहीं हो सकती, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर हो सकता है, ठीक है? इनके नाम थोड़े चेंज है, बाकी सबके नाम एक जैसे हैं। ये हो गए हमारे पैटर्न्स। ये 12 पैटर्न है, 10 पैटर्न है ये, ठीक है? ये 10 पैटर्न हमने समझ लिए। अब क्या करना है, एक ये पैटर्न और एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आपस में ज्वाइन करेंगे तो नया पैटर्न बन जाएगा। अब क्या करेंगे, एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आपस में जोड़ेंगे तो एक नया पैटर्न बन जाएगा, जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, और हम तो करेंगे क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, ट्रेडिंग ही नहीं है उसके बगैर। पैटर्न का नाम क्या है, 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, ठीक है? Yes,
कौन सी कैंडल है? अब कोई भी किसी भी किस्म का मोरोबोजो कैंडल आएगा तो थ्री आउटसाइड अब बुलिश पैटर्न बन जाएगा। मोरोबोजो ओपन हो, क्लोज हो या कंप्लीट मोरोबोजो हो या फिर अगर इसके ऊपर छोटी सी विक भी हो तब भी ये हमारा कौन सा पैटर्न बनेगा? थ्री आउटसाइड। अब थ्री का मतलब तीन कैंडल। आउटसाइड का मतलब ग्रीन कैंडल जो पहली वाली है वो सेलर के ऊपर क्लोज होती है। अप का मतलब दो कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। ओके सर, बिल्कुल सिंपल है। हाँ सर, चलो अब आगे वाला पैटर्न। आउटसाइड बार, वन स्ट्रांग कैंडल, थ्री आउटसाइड अप, सेम होगा। अब यहां पर चाहे इंगल्फिंग के साथ बने चाहे आउटसाइड बार के बने लेकिन उसका नाम थ्री आउटसाइड अप ही होगा, राइट? यस सर। उसके आगे चलते हैं, थ्री इनसाइड अप। अब थ्री इनसाइड अप, वो आउटसाइड अप था, ये थ्री इनसाइड अप। अब पियर्सिंग लाइन के साथ ये पैटर्न बनेगा। पियर्सिंग लाइन पहली ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस नहीं कर रही, दूसरी कर रही है, तो इसलिए इनसाइड कह दिए। कि इनसाइड क्यों कहा? कि जो पहली ग्रीन कैंडल है ना वो इस सेलर के अंदर क्लोज हो गई तो इसलिए इनसाइड है, राइट? यस सर। और आगे आगे स्ट्रांग कैंडल तो आपका पैटर्न बन गया पियर्सिंग लाइन प्लस स्ट्रांग कैंडल, इनसाइड बार प्लस स्ट्रांग कैंडल, तब भी ये थ्री इनसाइड अप बनेगा। आगे चलते हैं, ये वो अब उसके बाद रिवर्सल आएगा फिर। ये एक पैटर्न है, उसके बाद फिर जब ट्रेडिंग सिखाऊंगा तो हर एक पैटर्न के बाद छह पॉसिबिलिटीज होंगे। क्या? सिक्स पॉसिबिलिटीज आएंगी हर एक पैटर्न के बाद। जब इंगल्फिंग आता है ना तो इंगल्फिंग के बाद आप लोग ने सीखा होगा कि रिट्रेसमेंट आती है, राइट? यस सर। लेकिन रिट्रेसमेंट के अलावा पांच और पॉसिबिलिटीज भी आती हैं, तो हम वो सीखेंगे, कल सीखेंगे। और आसान इतना है और इतना मजा आएगा तब आपको पता चलेगा कि पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है। और बहुत सिंपल सा है और मार्केट में रीड करने में आपका 50% रोल अदा करेगा। वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, वो सरप्राइज रखें। ये देखें सर, एंगलफिंग, एक स्ट्रांग कैंडल, बेयरिश एंगलफिंग प्लस वन स्ट्रांग कैंडल। अब ये डाउन की तरफ आ रहा है तो इसलिए आउटसाइड डाउन कह रहा हूं। वो ऊपर जा रहा था, दो कैंडल ऊपर जा रही थी तो अप था, अब दो कैंडल नीचे आ रही है तो डाउन है। ये देखें, ठीक है, ओके। इनसाइड डाउन, थ्री इनसाइड डाउन का डार्क क्लाउड कवर प्लस वन स्ट्रांग कैंडल, इनसाइड बार प्लस वन स्ट्रांग कैंडल, ये आपका डबल कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया। लेकिन अभी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर दो और दो चार, चार पैटर्न और हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो जब ये हम सीख ले उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी अभी हम अगर पढ़ेंगे तो वो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। जिसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री व्हाइट सोल्जर और थ्री ब्लैक क्रोस, वो हम उसको आगे वाली क्लास में इसको ट्रेड करने के बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए ये इतना काफी है, तो आप इसको काम करो इसका, और इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में इन पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाएगा वो हम सीखेंगे, ठीक है? ओके सर। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? चलो आप वीडियो को रिव्यू करें, उसके बाद फिर आप जो है ना कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे मजीद इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू सर। Thank you.